जय हिंद दोस्तों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं चैप्टर 3 के बीबीआई। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने डाली थी उसमें हमने इसके पीवाईक्यू कर लिए थे, ठीक है ना। इस बैच का हमारा एक ही जो टारगेट है वो एक ही है कि सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू और उनके बीबीआई हम कम्प्लीट कर ले, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में हम पार्ट 3 चैप्टर 3 जो आपका एनसीईआरटी का है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, उसी के जो बीबीआई हैं उनको समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना और अपनी पेन कॉपी लेके इनके नोट्स बनाना प्रॉपर, जैसे आपको इसको आगे काम में आ सके, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। इसके माध्यम से हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है ना उसको समझो। पहला क्वेश्चन है कि अनुपात A1A2 B1B2 C1C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 इनकी समीकरण योग में इनकी निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, अपन को सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या ये एक ही बिंदु पर मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? ये अपन को दिखाना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इनकी तुलना करनी, तुलना करके ज्ञात करना है कि ये संपाती हैं या समांतर हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप कर लेना, ठीक है। आप कुछ नहीं है, आप समझो क्या करना है कि इन इससे अपन इसकी तुलना करेंगे। तो पहले तो अपन समीकरण लिख ले रहे हैं। पहला समीकरण हमको दिया है 5x - 4y, ठीक है, +8 = 0, ठीक है। फिर दिया है हमको 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। ये अपन को दिया, ये समीकरण नंबर एक मान ले रहे हैं, ये समीकरण नंबर दो मान ले रहे हैं। अब इस समीकरण की तुलना हमें इनसे करनी है, ठीक है। इनसे समीकरण की तुलना हमको करनी है। अब समझो करना क्या है कि देखो, हे अपन ए रहता है, इसको ए वन मानेंगे, इसको बी वन मानेंगे, इसको सी वन मानेंगे, इसको ए टू मानेंगे, इसको बी टू मानेंगे, इसको सी टू मानेंगे, ठीक है। बस अब इसमें इसके मान दे देंगे। तो अपन को दिया है ए वन ए टू, तो ये क्या दिया अपन को 5/7, और बी वन बी टू ये अपन को क्या दिया है 4/6, ठीक है। फिर हमको दिया है सी वन सी टू, ये क्या दिया अपन को 8 - 9, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू बराबर है क्या? बराबर नहीं है, आपको देखते ही पता चल जा रहा है कि ये बराबर नहीं है। तो सीधा अपन लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ए वन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बी टू, और ना ये सी वन सी टू के इक्वल है, सी वन और सी टू के इक्वल है, तो ठीक है ना। अब ये अनुपात आपको समझ में आ गया। अब क्या लिख देंगे अपन, ये नॉट इक्वल टू मतलब इनके बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अपन अथा इस वाले पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अथा समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है ना, निरूपित रेखाएं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपन को इसमें दिखाना था, ठीक है ना। कुछ नहीं है इन सवालों में, बस जमाना है और करना है, ठीक है। इस वाले को नोट करो, क्वेश्चन नंबर एक नोट हो गया ना। दूसरे वाले को समझो, क्वेश्चन डराने के लिए ऐसा भयंकर दिया है, समझना और आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, बस शांति बना के रखना। क्या दिया अपन को कि ए 0.2x + 0.3 है 3y = 1.3, दूसरा दिया है 0.4x + 0.5y = 2.3। ये समीकरण योग अपन को दिए हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला है, ठीक है। किससे बोला है? प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला है। तो एक बात बताओ कि इसको समीकरण एक मान लें, इसको समीकरण दो मान लें, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसके दशमलव को ठीक करें, क्योंकि हमको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो दशमलव को ठीक करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें 10 का गुणा कर दें और इसमें 10 का गुणा कर दें, ठीक है। दोनों में 10 का गुणा कर दें, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो अपन को मिलेगा 2x + 3y = 13। समीकरण नंबर 3 इसको नाम दे देंगे। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 4x प्लस
पाँच बाय बराबर 23, इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमको, अब x का मान निकालेंगे तीसरे वाले समीकरण से, ठीक है ना, इस वाले से निकालेंगे x का मान। कैसे निकालेंगे कि ये 2x अपन को दिया था, फिर दिया था अपन को क्या प्लस 3 बाय बराबर 13। तो ये प्लस का दिख रहा है आपको, ये प्लस का दिख रहा है, इसको मैं हटा के इधर माइनस का लिख सकता हूँ, क्या कोई दिक्कत है? क्या यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और समझो कि यहाँ गुणा में दिख रहा है, इसको मैं यहाँ भाग में लिख सकता हूँ क्या? आराम से लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे भाग में लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन को मिल गई x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू मिल गई। अब हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि x के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर लिखोगे आप तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लिख लो, ये वाला समीकरण लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। अपने पास x की एक्स्ट्रा वैल्यू है तो x को हटा के हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 4, यहाँ लिख देंगे 13 माइनस 3y बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आगे चलो, देखो थोड़ी स्पेस बना लें। ठीक है, अब समझो, अब कुछ नहीं करना, इस 4 का गुणा करना है, फिर इस 2 का भाग करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैं 4 का गुणा करूँगा तो मिलेगा 13 चौको 52 बटे में 2 है, यहाँ मिलेगा माइनस का 12 बाय यहाँ 2 है प्लस 5 बाय बराबर 23, ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे, यहाँ मिलेगा 26 माइनस के 6 बाय प्लस के 5 बाय बराबर 23। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का बाय, ये उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 23 माइनस 26। ठीक है, यहाँ से बाय मिलेगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये 6 बाय है, ये 5 बाय है, जाएगा तो एक बाय बचेगा, वो भी बड़ी संख्या वाला है निशान के साथ, यानी कि माइनस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बच गया, 3, यहाँ से बच गया बाय, माइनस से माइनस कट दिए तो यहाँ से बाय की वैल्यू आपको मिल गई बाय बराबर 3, बाय बराबर 3। अब निकालनी है हमको एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इस बाय के मान को इन में से किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं, आपको मिल जाएगी एक्स की वैल्यू। तो इस वाले में रख दें, चलो अपन लिखेंगे बाय के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये मिलेगा 2x प्लस 3 × 3 बराबर 13, तो 2x प्लस 9 बराबर 13। 2x ये प्लस वाले हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इसमें से यानी कि 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, और x की वैल्यू जो है आपको वो मिल जाएगी 4/2 यानी कि 2। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, मतलब कि x और y के मान निकालने थे, हम x और y के मान निकाल चुके हैं। इसमें आपका y का मान जो है वो 3 आया है और x का मान जो है 2 आया है, यही आपके आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हम अपने पढ़ाने के तरीके में और भी सुधार करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल 2 जैसा ही है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से समझ लो कि इस वाले को हम नाम दे रहे हैं 1 और इस वाले समीकरण को नाम दे देंगे 2। सबसे पहले तो इसका स्टेप कैसा करना है अभी, क्योंकि ये इतना डरावना लग रहा है कि कैलकुलेशन में हमारी हवा निकल जाएगी। सबसे पहले इसको सही कर लो, तो आप सही करोगे कैसे, मिलेगा आपको
इनका ले लो एलिसियम तो आपको मिलेगा 6 और 3 दूनी 6 तेतर के 9, 9x मिलेगा कैसे कि 2 का भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर वाली संख्या में कर देंगे गुणा तो मिलेगा 9। फिर इसी प्रकार 3 का भाग देंगे भी 6 में, 2 बार जाएगा, 2 का करेंगे ऊपर गुणा 10 बार आएगा, ठीक है, बराबर में माइनस के 2 मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इस 6 को मैं यहाँ गुणा कर दूँ, कर दे रहा हूँ, यहाँ मिलेगा मुझे माइनस के 12, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक समीकरण नंबर 3 बन गया अपना, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले को करेंगे अपन, तो ये मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर के 13, यहाँ 6 उधर जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 बचेगा, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। बात समझ में आ रही, समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब समझो, अब क्या समझो कि इस वाले से हम x की वैल्यू निकाल लें, चलो इस वाले से x की वैल्यू निकालते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं आप, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस वाले से निकालता हूँ, तो मुझे मिलेगा यहाँ निकाल लेंगे x बराबर 13 इधर थी, माइनस के 3 बाय हो जाएंगे, और ये गुणा में था, ये भाग में चला जाएगा, ठीक, बात समझ में आ गई। ये x की वैल्यू अपन रख देंगे समीकरण नंबर, इससे निकालिए 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर। आप समझो, अपन को दिया था 9, x की जगह पे लिखेंगे हम 13 माइनस के 3 बाय बटे में 2, हाँ बंद, प्लस 3 बाय बराबर 13, एक मिनट सॉरी, इस वाले में रखा है मान, तो यहाँ आएगा माइनस 10 बाय बराबर माइनस के 12, ठीक है। अब करेंगे तो आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा 13 नंबर 117, ठीक है, माइनस 27 बाय अपॉन में 2 था, माइनस के 10 बाय अपॉन में 1 था, कुछ नहीं है तो क्या था, अपन था 1 होता, माइनस के 12। अब समझो कि ये 1 मैंने यहाँ क्यों लगाया, इस 1 को लगाएंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम, वो मिलेगा आपको 2, क्या मिलेगा 2। अब इस 2 का 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी कि इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, 17 117 माइनस 27 बाय, यहाँ लगाएंगे माइनस, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, हाँ गुणा होगा 2 का, यानी कि 20 बाय बराबर माइनस के 12। अब एक बार बताओ कि इस 2 का मैं इसमें गुणा कर दूं, तो यहाँ मिल गया मुझे माइनस का 24, ठीक है, बस अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया, अब कुछ नहीं करना, बाय में से बाय दोनों किसकी हैं, माइनस की, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगी और यहाँ मिलेगा आपको 47 बाय, ठीक है। अब ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था और ये माइनस का हो गया, अब ये 47 बाय बराबर 24 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 11 की 1 पर 3 और 1 4 और फिर 1, ठीक है, यही मिलेगा। आप समझो, अब इसको ले जाएंगे, ये भाग में जाएगा तो यहां पहुंचेगा बाय, यहां पहुंचेगा माइनस का 141 बटे 1 माइनस के 47। अब 47 का फाड़ा ऐसा पढ़ो कि 141 आ जाए, पढ़ो मेरे हिसाब से 3 बार पढ़ते हैं, तो 30 की 1 2 तीचों को 12 और 2 14, मतलब कि आप 3 बार पढ़ोगे तो ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब कि 3 आएगा, तो बाय बराबर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3। अब इस 3 का मान इसमें से किसी भी समीकरण में आप रख दो, इसी वाले में रख दो, इजी दिख रहा है, यहां से रखेंगे तो मिलेगा आपको 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13, ठीक है, 9 मिलेगा, 9 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हाँ मिलेगा 2x बराबर 9 गया, यानी कि 4 और x बराबर मिलेगा आपको 2। पिछले वाले क्वेश्चन के भी यही आंसर आए थे और इस वाले क्वेश्चन के भी यही वाले आंसर। चौथे वाले में क्या ना कि एक स्टेटमेंट दिया है आपको और बोल देंगे आपसे स्टेटमेंट देने के बाद किया तो प्रतिस्थापन से निकालो या विलोपन से निकालो, अधिकतर वो प्रतिस्थापन से ही बोलते हैं, मैंने जहाँ तक जितने भी क्वेश्चन ऑब्जर्व किए हैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ,
तो इस वाले क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन से करेंगे। तो क्वेश्चन को समझो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे से पहले हमको ये स्टेटमेंट बोला है उसको डिकोड करना है और उसको बारीकी से समझना है, बस उसके बाद काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अपन एक काम कर ले रहे हैं, संख्या मान ले रहे हैं, माना दो संख्याएं, संख्याएं जो हैं संख्याएं एक्स और वाई, और वाई ठीक है, और एक्स जो है वो बड़ा है वाई से, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना मान लिया अपन ने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब ये है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या जब हम घटाएंगे तो हमको 26 मिलेगा। इस वाले स्टेटमेंट का इतना ही मतलब है ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे तो 26 मिलेगा। तो अपन को मिल गया समीकरण नंबर एक, ठीक है। अब समीकरण नंबर दो समझो, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। बड़ी संख्या क्या है x, और ये छोटी वाली संख्या है y, y की 3 गुनी है x। ये बात समझ में आ गई, आज ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है सर, ठीक है, तो इसको मानेंगे हम 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, बस इस वाले x का मान इसमें प्रतिस्थापित कर दो, अपना आंसर मिल जाएगा। अपन लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, कर दो 3y-y=26। अब एक बात बताओ, 3y, 1y गई तो 2y बची, यहां बच गया 26, y बराबर मिल गया आपको 13, ठीक है, y की वैल्यू अपन को मिल गई 13, और यहां अपन रख दें अपन को मिल जाएगी x की वैल्यू हमको मिल जाएगी x बराबर 3 × 13 13, तो 13 × 39 x बराबर आ गया 39। अब देखो अपन ने बड़ी वाली संख्या x मानी थी 39 है, छोटी वाली संख्या हमने 13 मानी थी और वो y मानी थी जो 13 है, ठीक है, यही आंसर निकालना था, ठीक है। अब इनको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो, क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, मतलब कि जब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, एवं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, इसको हम प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको उसी से करते हैं। अब सुनो करना क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इसके अंदर आप लिख लो कि माना जैकब की आयु एक्स वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु बाय वर्ष है, ठीक है, जो उसकी आयु है वो अपन ने एक्स मान ली और उसके पुत्र की आयु बाय मान ली। अब पहली लाइन पढ़ो कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, कब, 5 वर्ष बाद, उसकी वर्तमान आयु कितनी है एक्स, तो एक्स प्लस 5 मतलब ये हो गई 5 वर्ष बाद की आयु, तो उसके पुत्र की आयु से 3 गुना ज्यादा है, तो उसकी पुत्र की आयु ये रही होगी, इतना लिखेंगे तब ये दोनों बराबर आएंगे ना, ठीक है। अब सुनो, इससे हमको मिल जाएगा समीकरण नंबर 1, कैसे मिलेगा, किसका गुणा करेंगे, तो ये मिलेगा आपको 3y+15, ठीक है, और यहाँ लिख दो आप x, इधर लिख दो माइनस के 3y, ये उधर चले जाएंगे 15-5=10, ठीक है, मतलब कि ये हो गया आपका x-3y=10 समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइन पढ़ो, हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, मतलब कि 5 वर्ष पूर्व चलते हैं,
तो एक्स माइनस पाँच वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु से उसकी आयु कितनी थी, सात ज़्यादा थी, सात गुना ज़्यादा थी ना, तो यहाँ लिखेंगे बाय माइनस पाँच। ठीक है, ये रही होगी। अब कर लो कि x माइनस पाँच बराबर सात बाय बराबर पैंतीस माइनस पैंतीस। ठीक है, अब वही x इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और ये बचेगा आपका तीस माइनस का। ठीक है ना, ये माइनस का पाँच उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और पैंतीस में से पाँच कटेगा तो तीस बचेगा। ठीक है, माइनस का, इसको बोलो समीकरण नंबर दो मान लो। ठीक है, अब इसमें से एक किसी में आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख दें, तो इस वाले से निकालते हैं। देखो, तो यहाँ बच जाएगा आपका x, x उधर जाएगा आपका, ये बच जाएगा प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का, यानी कि सात बाय माइनस तीस, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। हम लिखेंगे x के इस मान को समीकरण नंबर एक में रख दें, दो से निकाला है, एक में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, मतलब इसको समीकरण नंबर एक में रख देते हैं। अब सुनो, अब क्या करना है, ये हो गया, अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। x की वैल्यू क्या दी अपन को, हाँ x का मान दिया, देखो x माइनस तीन बाय बराबर दस। अब लिखो x की यहाँ पे लिख दो सेवन बाय तीस, और फिर तीन बाय अपन को दिया ही है, तीन बाय बराबर दस। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो बाय ए माइनस की हैं, ए प्लस की, मतलब कि चार बाय बचेगा। ठीक है, ये माइनस के थे उधर जाके हो जाएंगे प्लस के, यानी कि 10 प्लस 30 बराबर 40। ठीक है, और बाय बराबर आपको मिलेगा 40 बटे 4 यानी कि 10। ठीक है, बाय का मान मिल गया। अब बाय के इस मान को हम समीकरण नंबर दो में पुट कर दें तो अपन को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो वही करते हैं। देखो एक्स दिया माइनस सेवन, बाय की वैल्यू कितनी मिली अपन को 10, तो लिख देंगे 10 बराबर में मिले माइनस के 30। ठीक है, ये हो जाएंगे x माइनस के 70 बराबर माइनस के 30, ये माइनस के उधर जाके प्लस के, x बराबर आ जाएंगे 40। ठीक है, x बराबर आ जाएंगे 40, तो बाय की वैल्यू आपको मिल गई 10 और x की वैल्यू मिल गई 40। मतलब जो उसके पिता थे, जो जैकब थे, उनकी उम्र है 40 वर्ष वर्तमान में, और उसके पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष। ठीक है, यही अपन को आंसर पुट करना था, तो उनकी वर्तमान आयु निकाली, तो उनकी वर्तमान आयु अपने निकाल दी। ठीक है, ये बाय पुत्र था, पुत्र की आयु 10 वर्ष, पिता की आयु 40 वर्ष। ठीक है, इस वाले को नोट कर लो, अगली बार नोट हो गया। छठे वाले पे चलते हैं, छठे वाले में दो समीकरण अपन को दिए हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसका नामकरण कर दूँ, इसको पहला वाला मानेंगे समीकरण नंबर एक, इसको मानेंगे समीकरण नंबर दो। ठीक है, आप बढ़िया विधि विधान से लिख लेना। ठीक है ना, पहले इससे निकाल लें अपन, यहाँ से निकाल लें बाय की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से बाय की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से बाय की वैल्यू अपन को मिलेगी टू बाय चार, माइनस के उधर से तीन, इधर प्लस के उधर जाके काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, इस दो को गुणा में है तो भाग में पहुंचा दो। ठीक है, ये बाय की वैल्यू अपन को मिल गई। अब लिख दोगे बाय के इस मान को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर। अब बाय का मान इसमें रखेंगे आठ, एक्स प्लस पाँच की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे बाय की जगह पे चार माइनस तीन एक्स बटे दो। ठीक है, बराबर नौ, ये लिखना था, बस काट दो पीट दो, आपका काम हो जाना है। पहले पाँच का इसमें गुणा कर लो। ठीक है, पाँचों को बीस, फिर पाँच दिया पंद्रह एक्स। अब समझो ये आ गया, अब ये दो ऐसे कैसा लिख लो,
ठीक है ना, यहाँ नो ऐसे कैसा रहने दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक रहने दो, एक मानते हैं। अब इसको अपन एलसीएम से क्लियर करेंगे तो यहाँ दो आएगा, यहाँ आएगा 16, क्योंकि एक का भाग दो में देंगे दो बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 16, ये ऐसे क्या जाएगा 20 - 15x = 9। इस दो का गुणा अपन इधर कर सकते हैं तो मिलेगा आपको 18, ठीक है, ये बन गया आपका। अब यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई 16 और 15, मतलब कि एक्स यहाँ पे मिल गया आपको 20, बराबर में है अपने 18, एक्स बराबर मिल गया आपको 2 माइनस के, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है आपको, अब इस एक्स की वैल्यू को ले जाके लिखना है दूसरे वाले के अंदर, ठीक है, इसमें रखते हैं 3, एक्स की जगह पे तू माइनस की 2 + 2 / 4, ठीक है, यहाँ आ गया 3 × 2 = 6, यहाँ 2 / 4, ये उधर जाके प्लस के हो गए बराबर, ये हो जाएंगे 10 और यहाँ बचेगा 2, तो उसे काटेंगे 5, यानी कि बाय बराबर आपको मिल जाएगा 5, ठीक है, बाय बराबर आपको मिल जाएगा 5, ठीक है, इस वाले को नोट करो, अगले वाले पे चलते हैं। हाँ तो छठा वाला नोट हो गया, सातवें वाले को बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब कि धारा जिस तरफ पानी बहता है उसको बोलते हैं अनुकूल, मतलब उसी दिशा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल मतलब पानी इधर आ रहा है वो उधर जा रही है उसको बोलेंगे प्रतिकूल, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, मतलब पानी जब ठहरा हो उसमें तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो हो जाएगा। अपन लिखेंगे कि माना उसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल ताल निकालना ना, हाँ स्थिर जल में चाल, जल में तैरने की चाल निकालो, चाल जो है वो एक्स है, और धारा की चाल जो है, धारा की चाल निकालनी थी, धारा की चाल जो है वो बाय है, ये अपन ने अपने मन से मान लिया। आप प्रश्न के अनुसार कर लो, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या करोगे, प्रश्न अनुसार कर लो, बोल क्या रहा है प्रश्न में, बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती, 2 घंटे में बोल रहा है कि ऋतु दो धारा के अनुकूल 2 घंटे में, अनुकूल का क्या मतलब है, दोनों जुड़ रही होंगी ना चाल, एक ही तरफ दोनों चाल बहेंगी तो दोनों की स्पीड मिल जाएगी, उसको बोलते हैं अनुकूल, तो मतलब कि एक्स प्लस वाई मिलके 20 किलोमीटर जाती है, तो इस दो को मैं उधर ले जाऊं तो ये गुणा में है, उधर जाकर किस में हो जाएगा भाग में, तो एक्स बाय बराबर यहाँ मिल जाएगा 20 के अपॉन में 2 में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि समीकरण नंबर 1 इसको बोल देंगे। अब दूसरा क्या बोल रहा है, प्रतिकूल की बोल रहा है कि 2 घंटे में, प्रतिकूल में क्या होगा, चालें घट जाएंगी क्योंकि एक चाल उधर से आ रही है एक चाल इधर से जा रही है तो दोनों कम हो रही होंगी ना, तो दोनों घट जाएंगी, और उसको 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब कि x माइनस y जो है वो 2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 और 2 से आप कर सकते हो पूरा सवाल क्लियर। अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 10, और दूसरा है एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट गए, यहाँ 2x बराबर आपको मिल गए 12, ठीक है, और x बराबर आपको मिलेंगे 12/2 यानी कि 6, ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। अब एक काम कर सकते हो तुम, y की वैल्यू यहाँ तो डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी में भी रख के, या फिर इसी से दोबारा निकाल सकते हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी में रख दूँ, x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो y की वैल्यू मुझे 4 मिल जाएगी, यहाँ रखूँ क्या करोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
ठीक है, समीकरण एक से लिख लो 6 + y = 10, ठीक है, तो y बराबर 10 - 6 यानी y बराबर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो स्थिर जल में उस व्यक्ति मतलब कि जो ऋतु है उसकी चाल जो है वो 6 km/h और धारा की चाल जो है वो 4 km/h है, ठीक है। बस यही अपन को निकालना था, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। इस वाले चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और VBI हो सकता है, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन ही करवाना है तो फिर VBI का क्या मतलब है, सारे ही कर लो फिर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट और जितने क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं 2023 के अंदर वो मैंने इसमें कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपको वही करना है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।